जन सरोकार मंच पर आज हमारे बीच वर्षकार, कहानीकार और स्मृति लेखक के रूप में ख्याति अर्जित किए हुए डॉक्टर रमेश चंद जी मीणा हैं। अभी आपकी हाल ही में जो किताब आई है कोरे कागज पर, मैं पाठकों, श्रोताओं सभी को इस किताब से परिचय कराना चाहूंगा। कोरे कागज जो इस दौर का अपने ढंग से एक महत्वपूर्ण संस्मरण है और इसे पढ़ा जाना चाहिए और पाठकों के बीच यह संस्मरण अपने ढंग से लोकप्रिय हुआ है। और एक लेखक की क्या चिंता होती है, एक लेखक कैसे हमारे समय से साक्षात्कार करता है, उसकी पूरी वानगी, पूरा चेहरा कोरे कागज के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं बात करूंगा डॉक्टर रमेश चंद जी मीणा से इस सवाल को लेकर कि एक लेखक को क्यों लिखना चाहिए। इतना कुछ लिखा जा चुका है, फिर भी प्रतिक्षण कुछ नया रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, इसे एक लेखक के रूप में आप कैसे लेते हैं? नमस्कार विवेक जी और जन सरोकार मंच के सभी पाठकों को सादर नमस्कार। जन सरोकार मंच को धन्यवाद ये कार्यक्रम रखने के लिए। आपका सवाल शाश्वत है क्योंकि कालिदास के समय से लिखा जा रहा है, तुलसीदास ने लिखा और लिखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। शायद इसलिए भी क्योंकि हम जिस दौर में रहते हैं उस दौर को हर लेखक अपने ही अपनी अनुभूति संवेदनशीलता के साथ उसे लिपिबद्ध करता है जी। और इस तरह से लेखन कार्य सतत प्रक्रिया है क्योंकि ये समय की मांग के अनुसार चलता है और ये जिस विधा में लिखा जा रहा है ये विधा आज की मांग है। आपकी रुचि रचनात्मक साहित्य के साथ आलोचनात्मक विमर्श में ज्यादा रही है, ऐसे में अपने लेखक लेखन को अन्य लेखकों से किस तरह अलग करके देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हर लेखक समाज में रहता है, इसके बावजूद अपने आप में उसकी जो रुचि होती है उसके अनुसार लिखेगा। वैसे हम जिस नौकरी में हैं, हमारा काम लिखना पढ़ना अध्यापन करना है, तो स्वाभाविक है कि हम अध्यापन करते हुए निबंधकार तो हो सकते हैं, समालोचक भी हो सकते हैं, क्योंकि व्याख्या का व्याख्यान करने से यानी शब्दों की या पद्य की दरअसल जिंदगी भर व्याख्या ही करते हैं, तो इस अर्थ में हम व्याख्याकार हो जाते हैं। लेकिन रचनाकार होने के लिए या किसी विधा में जी गति पकड़ना ये अभी एक रुचि के हिसाब से होता है। शायद एक कारण रहा कि विमर्श जो शब्द आपने किया जोड़ा है, दलित और आदिवासी विमर्श पर मेरे काम करने की शुरुआत हुई, संयोग से शोध कार्य मेरा आदिवासी विषय पर था, संयोग से विमर्श उस समय दलित विमर्श चल रहा था, फिर आदिवासी विमर्श चला, इन दोनों विमर्शों से जुड़ने से तो आलोचक के बतौर छुटपुट रूप से ये पहचान हुई। लेकिन अंततः मैं अपना जो लेखन करता हूँ तो मेरे आसपास जो कुछ भी मैंने देखा किया वो संस्मरण के रूप में आपके सामने आता है। एक लेखक की जीवन यात्रा आम आदमी के साथ होते हुए भी कहाँ पर विशेष हो जाती है, इसे साफ कीजिए, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, लेखक आम आदमी से ही जुड़ने का प्रयास जिंदगी भर करता है,
लेकिन जब आम आदमी को व्यक्त करता है या किसी घटना को या किसी दृश्य को या किसी परिवेश को, तो जितना उस परिवेश, अब इसे हम आदिवासी के तौर शहर या क्षेत्र, कोरे कागज का लेखक अपने को कहाँ रख कर चलता है। रचनात्मक विधाओं में संस्मरण इन दिनों बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, इसके पीछे मूल कारण क्या है, इस बारे में आराम से बताते हुए अपने रचनात्मक लेखन के बारे में पाठकों श्रोताओं को बताएं। वैसे पाठक को पढ़ने के लिए सर्व सुलभ होती है कविता, और लिखी भी पर्याप्त जा रही है, प्रकाशित भी हो रही है। फिर दूसरे नंबर पर आती है कहानी यानी कथा साहित्य, उसमें भी उपन्यास और कहानियों के खूब पाठक होते हैं। अगर हम इन विधाओं में देखें तो पता चलेगा कि इसके बाद इन दिनों कथेतर विधाओं में खास मुकाम हासिल किया है संस्मरण ने, और संस्मरण में कथा तत्व भी पाया जाता है, कथानक भी होता है, पात्र भी होते हैं, परिवेश भी होता है। तीन चीज जो कथा साहित्य में पाई जाती है संस्मरण में भी मुख्य रूप से उभर करके आती है, और यही कारण है कि जिस महाविद्यालय से मैं जुड़ा रहा और महाविद्यालय में जो चीजें मैंने जिंदगी भर देखी उन्हीं को मैं यहाँ जब भी खाली समय होता उस खाली समय को इस तरह से, जबकि शुरुआत तो मैं लेखन से करता हूँ, निबंध के बतौर, समीक्षाएं की, खासकर उपन्यासों की, तो इस रूप में समालोचक से आरंभ किया। लेकिन जब ये सारी चीजें घटित होती रही तो बाद के दिनों में कोई 2015 से मैंने अपने परिसर को लेकर के लिखना आरंभ किया, जिसमें मेरे आसपास मेरे साथी और महाविद्यालय का परिसर सामने आता है। शायद वो इसलिए कि मुझे भी उनसे दिलचस्पी थी, या मैं उनको किस तरह से अनुभव करता हूँ उस अनुभूति को व्यक्त करता हूँ इसमें, वहां से चल करके जंगल में रहने वाले आदिवासी तक या जंगल अभयारण्य में रहने वाले टाइगर तक यात्रा होती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि संस्मरण में इधर 7-8-10 साल में जो कुछ मैंने देखा, यात्राएं की, जहां जहां मैं गया वो सब इसी रूप में आ सका। इससे शायद एक तो ये होता है कि हमारी जितनी समझ होती है, जितनी संवेदनशीलता होती है, हमें लिखने के लिए एक तरह से खुला आसमान मिलता है जिसमें उड़ान भर सकते हैं, पंख हमारे, आसमान भी खुला असीमित। तो इस तरह से ये कोरे कागज हमारे सामने आते हैं। कोरे कागज नाम लिखने रखने के अगर पीछे रीजन देखें तो ये यकायक घटित नहीं हुआ, बल्कि जब मैं खेलवाड़ा महाविद्यालय में शहरी छात्रों को अपने सामने पाता हूँ तो हमारे बीच में जो बातचीत हुई एक प्राध्यापक और विद्यार्थी के बीच में, तो उनकी मासूमियत देख करके और महाविद्यालय की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कितने छिद्र या छेद हो सकते हैं ये भी अनुभव किए। हम जिस नौकरी में होते हैं, जिस पैसे में होते हैं, उसमें हम किस तरह से कार्य करते हैं और कितनी ईमानदारी से कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका असर विद्यार्थियों तक होता है, खास करके जो हाशिए पर है, खेलवाड़ा में है। तो उन विद्यार्थियों के सामने जब मैंने देखा, बातचीत की, तो एक घंटे में कुछ एहसास हुआ, ये कह सकता हूँ कि 2.5 दशक का प्राध्यापकीय जो अनुभव है उन विद्यार्थियों को देख करके लगा कि जैसे ये कोरे कागज की तरह है, इन पर लिखना अभी जैसे बाकी है। तो इस तरह से कोरे कागज शीर्षक बनता है। एक आध घटनाएं और है जो हमारी चर्चा में आगे सामने आने वाली है। संस्मरण के रूप में यहाँ स्मृतियां जीवन आख्यान रचती रही, इसे आप अपने रचनात्मक विधान में कैसे लेते हैं,
और कोरे कागज, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, साफ सादा कागज। यहाँ तो पूरी एक पोथी है, फिर इस नाम के पीछे जो मूल है उसे कुछ खोलें, कुछ रहस्य से पर्दा उठाएं। बिल्कुल, वैसे तो ज्यादा रहस्य नहीं है, रहस्य मेरी बात में अभी आ ही गया, क्योंकि हम जब कोई भी किताब लिखते हैं तो शीर्षक तो हमें रखना ही होता है, तो शीर्षक के बतौर कोरे कागज में वो ऐसे पाठक सहजता और पहली बार लोगों के सामने आना, ये उनका जो मानवीय पहलू है वही कोरे कागज के रूप में ज्यादा मुझे लगता है। यों भी कह सकते हैं इसको, अगर और भी हम गहराई में जाना चाहें तो पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ बहुत कुछ करना अभी बाकी है, खास करके पूरा खाली पड़ा हुआ है कागज। हाँ, जैसे शहरी क्षेत्र जिसे कहते हैं, जिसको केंद्र में रख करके, तो ये जहाँ अभी अगर हम जैसे पड़ती जमीन होती है तो उसमें हल चलाया जाता है, बीज डाला जाता है, ये सब होना जैसे बहुत कुछ करना बाकी, तो अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी शेष रह जाता है, वो अगर हम कर सकेंगे, व्यवस्था की सीमाएं होती है, हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ ठीक से मांग भी नहीं रख पाते, कई बार आंदोलन करना हर होता है, और हर दौर में एक कोरे कागज टारगेट में टाइगर ही क्यों, टारगेट में टाइगर ही क्यों नहीं, इतना कुछ है जंगल में, पर टारगेट में हमेशा वही क्यों, यह टारगेट हुई ये तो कहीं उसके कम होते जाने का बड़ा कारण तो नहीं है। टारगेट में टाइगर, एक ललक, एक उत्सुकता, बेसब्री सभी के चेहरे पर तारी रख, खुली जगह में तालाब की पाल पर न जाने कहां कहां के पर्यटक एक साथ ही दिशा में एक टारगेट बनाए हुए इंतजार में बड़ी बेसब्री से खड़े हैं। जिप्सियों केटरों पर सवार मोबाइल व कैमरे को ताने तपस्वियों से साधना करते लंबे समय से डटे रहे हैं। ये मैंने टारगेट में टाइगर पाठ से एक टिप्पणी पढ़ी, अब आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें सर। बिल्कुल, टारगेट में टाइगर, ये लक्ष्य लेकर के पर्यटक देश विदेश से रणथंभौर अभयारण्य में पहुंचते हैं। हालांकि मैंने विद्यार्थी जीवन खास करके स्कूल और महाविद्यालय का वहीं गुजारा, तो रणथंभौर गणेश जी के तो हम जाते रहे, शायद विद्यार्थी के बतौर इतनी ही हैसियत थी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए अच्छा खासा टिकट भी लगता है। तो ऐसे में जब हम नौकरी में आए, एडीएम से मुलाकात हुई, तो हमारा लक्ष्य भी वही बना, और देखा कि हमारे जैसे बहुत सारे जो होटल इंडस्ट्री वहाँ खड़ी हुई है, वो एक टारगेट लेकर के आते हैं, टारगेट होता है टाइगर को देखना। तो इस तरह से ये जब देखते देखते ही मुझे ख्याल आया कि पूरा उद्योग इसे लेकर के खड़ा है, एक शगल के रूप में, इलीट वर्ग जो होता है, जिसके पास पर्याप्त धन होता है एंजॉय के लिए, पिकनिक के लिए, वो उनके लिए ये चीज है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि टाइगर जिस तरह से, टाइगर के लिए पूरा जंगल रोका गया है, और उस टाइगर की सुरक्षा के लिए कई तरह के उसकी सुरक्षा गार्ड के बतौर व्यक्ति लगे हुए हैं, लेकिन उससे पर्यावरण कितना बच पा रहा है बाकी का। दूसरा ये कि पंछी के, अगर यूं देखें जानवर के बतौर, कि उनकी मांग क्या है, वो जंगल में रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा और हमारी सरकार का उद्देश्य ये है कि हम इससे भी पैसा कमाएं, और टारगेट में
टाइगर होता है। ये नेगी साहब ने ऐसा कहा था कि ये जगह बहुत ही हाईलाइट है, क्योंकि पास में राजधानी पड़ती है, मुश्किल से 200 किलोमीटर जयपुर यहाँ से है, तो सेक्रेटरी वगैरह अक्सर यहाँ वो भी टाइगर देखने के लिए पर्यटक जो आते हैं वो तो आते हैं, सरकारी अधिकारी आते हैं, तो अलर्ट मोड में रहना पड़ता है यहाँ के डीएम एडीएम को। कब वीआईपी यहाँ चले आए, जैसे राजीव गांधी भी वहाँ आए थे, जब वहाँ हम बगल से गुजरे तो पता चला कि राजीव गांधी वहाँ ठहरे थे, तो गाइड ने बताया कि देखिए वो जगह है, ये महल उस वक्त इसकी रिपेयरिंग की गई थी। तो इस तरह से वीआईपी हवा बराबर होता है, लेकिन हम क्या वाकई में टाइगर को लेकर के चिंतित है, ये टाइगर को लेकर के हम पैसा कमाने की ओर है, यानी एक जो जानवर है उसको क्या चाहिए जी। तो इस तरह से हम सबके टारगेट में टाइगर हो गया, यानी जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए ठेकेदारों के लिए, जिस जंगल को वो लगातार काटते जा रहे हैं, तो इस तरह से उस टारगेट को लेकर के पर्यटक वहां पहुंचते हैं, और किस तरह से कैमरा ताने खड़े होते हैं, जैसे कि वो बंदूक लेकर के शिकारी शिकार के लिए बंदूक तानता है, इस तरह से वो कैमरे में कैद करके फिर अपने जगह अपने गांव पहुंचेंगे, अपने शहर पहुंचेंगे, और फिर बताएंगे देखो हमने इस तरह से टाइगर को देखा, तो टाइगर को किस तरह से देखा पता चला कि टाइगर की भी आदत में आ गया हो, कि टाइगर भी अब डरता नहीं कि इतने लोग खड़े हैं, ना हमला करता है, हमला कर सकता है, इसका भी कोई डर इसलिए नहीं है कि कोई 2500 गाड़ियां वहां खड़ी है और देख रहे हैं कि टाइगर दिख नहीं रहा, टाइगर जब मर्जी होगी जब बाहर आएगा, लेकिन उन गाइडों को गाइडों की तो रोजी रोटी का मामला है कि टाइगर दिखेगा नहीं तो लोग आएंगे कैसे, तो उनको पता होता है कि पॉइंट कहाँ है, और जो ही वहां से खबर आती है किसी को पता चलता है कि टाइगर वहां दिखा, मूवमेंट वहां हो रहा है, और उनको लग जाता है कि कुछ बंदर आवाज करने लगते हैं, उसके आधार में बताते हैं कि वहां दिखाई देता है तो सारी गाड़ियां वहां एकदम पहुंच जाएगी। इस तरह से जैसे हमला किया जा रहा हो टाइगर पर ही हमलावर के रूप में वो पर्यटक गाड़ियों पर सवार होते हैं, कैंटर पर सवार होते हैं, और इस तरह से दौड़ाते हुए चले गए, कई बार तो डर लगता है कि ये गाड़ी को पलट ना दे, गाड़ी भले पलट जाए लेकिन वक्त पर वहां पहुंचे। तो इस तरह से टारगेट में टाइगर को लेकर के पर्यटक वहां पहुंचा करते हैं, ये इलीट वर्ग का एक तरह से ये शगल, ये बड़ा रोमांच है एक पर्यटक के लिए जाकर वहां टाइगर देखना। और मैं भी एक बार गया था टाइगर को देखने पर टाइगर दिखा नहीं, और दूसरे तमाम जीव जंतुओं को मैं देखकर चला आया, और मेरे में ऐसी वो भी नहीं थी कि नहीं टाइगर देखना ही है, उसके लिए कई लोग तो तीन तीन दिन चार दिन क्या करते हैं, पर मैंने कहा कि टाइगर के अलावा जो अन्य जीव हैं उनसे भी हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको जानना चाहिए। तो मैं तो जो दिख गया उसी में अपने को मगन मन मानकर, और जो पेड़ों की घनी छाया है जंगल में और तरह तरह का उसका उसकी फोटोग्राफी करते हुए उसको देखते हुए मैं चला आया, और मन में हसरत तो है कि कभी टाइगर को नजदीक से देखूं, पर कब देखना संभव होगा। तो इसे यूं कह सकते हैं विवेक जी कि हमारा सौभाग्य रहा कि जो ही हम पहुंचे और मुश्किल से 1 किलोमीटर अंदर गए होंगे, और उसमें कई बाड़े से बने होते हैं, एक जगह जंजीर डली हुई थी उसने फटाफट चाबी खोला, उस जोन में हम पहुंचे और पता चला कि टाइगर हमारे बगल से गुजरता हुआ नजर आया, और वैसे ही जैसे कुत्ता गुजरता है, मतलब हमें जैसे डर सा नहीं है, वो सभी बोलते हैं आवाज ज्यादा मत करना, नीचे उतरना मत, वो गुजर गया। इसके बावजूद की बगल में कैंटर खड़ा है लेकिन उसे परवाह ही नहीं, लोगों की तरफ देखा ही नहीं और आगे गुजर गया। इसके बाद बहुत देर तक वो गाइड खड़ा रहा, बोला कि साहब टाइगर आएगा। मन में टाइगर की झलक दिख गई, कोई बात नहीं आगे बढ़िए, बहुत देर हो गई, 1 घंटा तक हो गए, अब सारे वहीं खड़े हैं, देखिए
यहां से टाइगर निकलेगा, लेकिन तब तक इंतजार करेंगे, भाई आगे बढ़ो। देख लिया, अब एक डेढ़ घंटे के बाद जब हम आगे बढ़े तो पता चला कि हम जंगल देखते हुए आगे गुजर रहे थे, तो मेरा मकसद भी इसमें पूरा हो रहा था कि टाइगर की झलक तो दिखी गई, शिकार करता हुआ दिखे जरूरी भी नहीं, और उसका मूड बने ना बने। सो हम कब तक इंतजार करेंगे, मन की कोई बात नहीं, जंगल ही घुमा दो, हमारे लिए जंगल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आगे उतरे, पहाड़ी ढलानों से उतार चढ़ाव से उतरते हुए आगे बढ़े, पता चला कि एक टेंट आगे खड़ा हुआ, और उस टेंट के वाले कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ तो आधा घंटे से हम देख रहे हैं कि सामने देखो टाइगर यही था, यही बैठा हुआ था, और हम बराबर देख रहे थे, खूब रीले वीडियो बनाया हमने। तो पता चला कि यार हम तो बहुत देर से कह रहे थे भाई आगे बढ़ो, ये नहीं दिख रहा, तो और जहां संभावना नहीं थी वहां दिख गया, और वहां जो घटना घटी वो बड़ी रोचक थी कि टाइगर हमारे सामने से, हमारी गाड़ी के सामने से गुजरता, और इतने फासले से गुजरा कि हम धक्के से रह गए, क्योंकि हमारे पीछे कैंटर था, आगे हमारी गाड़ी थी जिप्सी। फिर मैंने उस ड्राइवर से पूछा, गाइड से पूछा, भाई इतने नजदीक से टाइगर आपने पहले कभी देखा क्या? तो बोला भाई साहब इतने नजदीक से तो हमने नहीं देखा, अगर ये मर गया हमला कर देता तो क्या होता है? बोला कुछ भी हो सकता है। जब उसने ऐसे कहा तो हमें लगा कि हम बाल बाल बचे, क्योंकि वो एक बार मुंह करके हमारी तरफ जब देखा तो सबके प्राण थक गए। ड्राइवर से कहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? बोला पता ही नहीं, उस वक्त ये था कि अगर ये इधर छलांग मार दी तो हमारा क्या होगा। ये चीज भी वहां देखी, तब मुझे लगा कि इस टारगेट में टाइगर जो लिखा गया है, इस चीज को अब मैं पूरा विवरण के साथ लिखूं। तो वो दृश्य भी है, आगे चर्चा चलेगी तो मैं उसको पढ़ के ही सुनाऊंगा। आगे और अभी है इसकी चर्चा। अगला सवाल है, टारगेट में टाइगर में गहरा रोमांच, एक बच्चे की तिलक और आश्चर्य, टाइगर को देखते हम सब कहीं बच्चे तो नहीं हो जाते, अपने असली मनुष्य की ओर तो यहीं लौट आते, क्या लगता है इस आश्चर्य? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। यूं कहें कि चाहे आप किसी इंडस्ट्री के मालिक हो या ब्यूरोक्रेट हो, जब वहां होते हैं तो फुर्त तो रहती है। हमारे बगल में मैंने कहा भी है, एडीएम साहब सूरज सिंह नेगी वहां के एडीएम है, ब्यूरोक्रेट है, हालांकि वो उस आवरण में उस ब्यूरोक्रेट को भले छुपा रहे थे, लेकिन अंदर से वो पुलक थी जो हमारे में थी। हम थोड़े अलग तरह से सहज होते हैं, उनकी एक अपनी सीमा होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो तीसरी चौथी बार आया हूं, तो वो भी एक असर पड़ता है कि आप जिस चीज को पहली बार देखेंगे तो वो चौंकने की बारी उसमें ज्यादा आएगी। जैसे मैं पहली बार ही उस जंगल में प्रवेश करता हूँ, पहली बार ही टाइगर जोन में जाता हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि हम जैसे बच्चे के लिए इस दुनिया की हर चीज में रहस्य होता है, उसी तरह से रणथंभौर गणेश जी के तुम कई बार गए, लेकिन उस गेट के सामने से गुजर जाते थे, उस गेट में तो पहली बार बचपन लौटा हमारा जब हम वहां हुए, और हमारी उम्र जो और भी थी। हाँ, ये और विवेक जी एक बात और पक्की है कि नई जनरेशन बहुत जल्दी ही पर्यटन क्षेत्रों में जा रही है। हम 50-55 के होकर के पहुंच रहे हैं, वहां 20-22 में वो लोग हनीमून मना रहे हैं। क्या अब ये थोड़ा सा इतर हो जाएगा कि मैं कुल्लू से मनाली पहुंचा, तो मनाली में हम दो साथी थे, शिमला से गया था एडवांस स्टडी से, तो बिहार के साथी थे राम जीवन जी, तो वो उनकी उम्र वो 55 के थे, उस वक्त में 50-52 का रहा होगा, तो बोले कि यार हम तो अब आ रहे हैं 50 के बाद, और ये जोड़ा देखो हमारी गाड़ी में जो बैठा है ये 20-22 साल का, बंबई से चल करके यहाँ तक आ गया, ये इतनी जल्दी आ गया और हम अब आ सके, यानी हमारी पीढ़ी जो काम अब कर पा रही है, नई पीढ़ी इसको अपनी युवा अवस्था में कर ले रही है, तो हम बचपन का मजा ले रहे हैं। इसी से एक टिप्पणी मैं करना चाह रहा हूँ कि जो पुरानी पीढ़ी है और नई पीढ़ी है उसमें गति बहुत तेजी से बढ़ी है। नई पीढ़ी जिस चीज को आज ही करना चाहती है, हम लोगों की जो पीढ़ी है उसमें 10 साल 20 साल का अनुभव से गुजरने के बाद उस कार्य को अंजाम देती है।
आज यही हाल आप देखेंगे कि लेखन की दुनिया में भी है कि जो नए लेखक आ रहे हैं वो पहली किताब लिखते ही चाहते हैं कि सारा पुरस्कार उन्हें मिल जाए, पूरे जगत में उनकी चर्चा हो जाए। तो एक उतावलापन भी कहीं ना कहीं समाज में बहुत तेजी के साथ नई पीढ़ी में देखा जा रहा है, और कई मायने में वो ठीक भी है और कुछ कहीं कहीं वो गलत भी है, गड़बड़ भी है। यहाँ टारगेट में टाइगर को जब मैं देख रहा था तो एक पंक्ति पढ़ने को मिली कि हर ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। यह पंक्ति जब लेखक लिखता है तो उस पर क्या गुजरती है, क्योंकि लेखक होता ही है कमजोर की आवाज। लेखक तो कमजोर की आवाज को रक्षा करने के लिए होता है। इस पंक्ति को लिखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे थे, इसका थोड़ा खुलासा करें। विवेक जी, वैसे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हम मीडिया को कहते हैं, और हम भी चौथा स्तंभ ही है। हाँ, साहित्य भी चौथा स्तंभ ही है। तो हम कमजोर के साथ यानी जनता के साथ ही होते हैं। तो यहाँ जब खास करके जब वो सारे सारे टाइगर को देख रहे थे तो सबकी इच्छा ये थी कि सामने से हिरण घूम रहे थे, हिरण के बच्चे घूमते घूमते उस घने घास की तरफ जा आ रहे थे, तब गाइड ने कहा कि अब टाइगर यहाँ झपट्टा मारेगा, यानी शिकार पास आ रहा है और यहाँ अब रुके रहो। तो तब मुझे लगा कि हर बड़े जानवर को छोटा जानवर को शिकार बनना ही होता है, ये नियति है, और ये हमारे साथ भी लग रही है। देख ही रहे हैं समाज में कि गरीब गरीब ही होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, यानी वो उसका शिकार कर रहे हैं। गरीब अक्सर शिकारी होता है, खास करके इस देश में अगर देखें तो एक बहुत बड़ा तबका जिसे किसान कहते हैं, और किसान का 80% तो गरीब ही है, जमीन भी उसके पास कमी है, वो सभी ही शिकार कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी नौकरी पैसा हो या व्यापारी हो या नेता हो, सभी का शिकार होता है। तो गरीब की बीबी, गरीब की बीबी सबकी वो क्या कहते हैं, एक कहावत आती है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा सीताबाड़ी और सहरिया क्षेत्र रहा है। तो सीताबाड़ी, सहरिया व केलवाड़ा, अस्तित्व का रोमांच, इस क्षेत्र का विकास कहाँ तक हुआ, और इसकी गति पर एक टिप्पणीकार के रूप में आपका क्या कहना है? बिल्कुल संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि देखिए, आखिर 75 साल हो गए आजादी को, तो क्योंकि लोकतंत्र है, राहत बराबर पहुंच रही है, सरकारी इमदाद भी पहुंच रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ कॉलेज के बतौर बात कर सकता हूं। तो बेशक व्यवस्था अपना काम कर रही है, लेकिन हम एक राजनीतिक टिप्पणी अगर करना चाहें तो राजीव गांधी के वो शब्द याद आते हैं जिसे हम इशारे में ही समझ सकते हैं। राजीव गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में ईमानदारी से स्वीकार किया कि 100 पैसे अगर वहां से चलते हैं दिल्ली से, तो नीचे पहुंचते हैं 100 पैसे ही उन तक पहुंच पाते हैं, बाकी को पाइपलाइन ही चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें अगर सुधार हुआ होगा तो दो चार पैसे और बढ़ गया होगा, तो इसका मतलब मशीनरी तो मजबूत होती जाती है, लेकिन वो पाइपलाइन से उधर लगता है कि बूंद बूंद ही टपकती है। तो अगर हम वहां से गुजरेंगे, या यूं कहें कि महाविद्यालय बेशक सरकारी था, सो बिल्डिंग बन गई, लेकिन बच्चे तो कोरे कागज की तरह ही मिले थे मुझे, जिसको लेकर के शीर्षक मुझे देना पड़ा कि बहुत कुछ करना बाकी है। ये दायित्व तो बहुत सारे नौकरी पेशाओं का है, शायद वो अगर संवेदनशील होंगे तो इसमें फर्क आ सकता है, अन्यथा जो ऊपर से इमदाद आती है उसको लेने के लिए, हासिल करने के लिए भी मजबूत आ चाहिए, यानी मजबूत ताकतवर हासिल कर लेता है फिर कमजोर पीछे आ जाता है। इसी तरह से कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है ऐसे क्षेत्रों में।
जो हाशिए पर रह रहे हैं ऐसे समाज के लिए। ये इतना ही काफी है इस बिंदु पर। अंधेरे में उजाला और पूरे कागज पर जिंदगी की इबारत का क्रम शिक्षा से शुरू होता है। इसे एक शिक्षक के रूप में, लेखक के रूप में आप किस तरह महसूस करते हैं? देखिए, शिक्षा ही उजाला लाती है, ये तो साबित हो ही गया, और ये अवसर हमें बेहतरीन तरीके से लोकतंत्र में मिला है। हालांकि जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं वहाँ अभी अंधेरा घना है, वहाँ उसकी पहुँच रही है, लेकिन व्यवस्थागत और इधर जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, इसको देखते हुए लगता है कि फिर हम पेचीदा स्थिति में फंस चले जा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि स्कूल और कॉलेज, या फिर तीसरा अगर मुद्दा आता है तो ट्यूशन का आता था, अब एक नया शब्द आया, ट्यूशन तो खत्म हो गया, ट्यूटर खत्म हो गया, अब कहते हैं स्कूल कॉलेज नाम के कोचिंग महत्वपूर्ण। कोचिंग बड़े बड़े स्तर पर चल रहे हैं, बड़े नाम कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 5 स्टार, आप तो कोटा में रह रहे हैं देख ही रहे हैं, 5 स्टार कोचिंग है। ठीक ऐसे ही जैसे 5 स्टार हॉस्पिटल, ये दो चीजें विकास कर रही है निजीकरण के कारण। तो ये विसंगति हमें यहाँ भी दिखाई देगी एजुकेशन में भी अब चल करके, कि जो सक्षम है वो शिक्षा तक पहुंच पाएगा, गरीब शायद उसकी जद्दोजहद भी जारी रहने वाली। इसमें से भी अगर किसी भी तरह से बहुत ज्यादा जिज्ञासु है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे क्षेत्र है, अभी ऐसे टापू है जहाँ तक ये उजाला पहुंचना बाकी है। इस किताब में एक महत्वपूर्ण चीज, और वो सीधे सीधे आपके जीवन यथार्थ से भी गहरे जुड़ी हुई है। इस किताब को पढ़ते हुए बराबर ये महसूस हुआ कि जिस परिसर में, जिस क्षेत्र में, जिस समाज में हम रहते हैं, बतौर लेखक हमारी बड़ी भूमिका हो जाती है जिस परिसर में है, तो परिसर की यात्रा एक गहरे यथार्थ बोध के साथ अपनों के बीच षड्यंत्र, तंत्र की हठधर्मिता, और जहां तक मनुष्यता का साम्राज्य होना चाहिए वहां आंखों में हिंसक वृत्ति है, इसे न केवल देखा गया बल्कि समय समय पर अनुभव भी किया गया, जिसे एक बेबाक सच की तरह इस पुस्तक में दिखाया गया है। बहुत बड़े इसके लिए साहस और हिम्मत चाहिए, और आपने पूरे साहस के साथ अपने समय और अपने परिसर को देखा है, इसके लिए आप विशेष साधुवाद के और विशेष धन्यवाद के अधिकारी हैं। कुछ खुलासा इस संदर्भ में करना चाहें सर तो करें। बिल्कुल, इसमें आपने बहुत कुछ कह दिया। जी देखो, लेखक का मतलब ही यही होता है कि जब कलम चलती है तो बहुत कुछ उसे पता नहीं होता है कि वो क्या क्या लिखने वाला है। हाँ, कलम तो चलती है, जब तो चलती है तो नहीं करती। अपना रास्ता खुद तय करती है, जिस तरह से नदी जब पहाड़ से निकलती है तो वो ये पक्का पहले सुनिश्चित नहीं कर सकती कि कहाँ से गुजरेगी, कहाँ पहुंचेगी। समंदर में तो मिलना है तो पक्का है, लेकिन वो किस छोर पर जाकर के मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता। तो इसी तरह से बहुत कुछ था, ये तो था ही कि हम सरकारी सेवा में हैं, सरकारी सेवकों पर बात कहने वाले हैं। मुझे लगता है कि मैं एक बात आपके माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से थोड़ी सी इतर होगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात होगी, वरना आपके यहाँ वो प्रश्न भी नहीं है कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार सिविल सर्वेंट को संबोधित कर रहे थे, और ये मुझे लगता है कि 2015 के आसपास की बात थी। तो उन्होंने कहा था कि जो भी नौकरी पेशा पदाधिकारी है, जब वो रिटायर हों, सेवानिवृत्त हों, तो अपने बारे में कि इस कार्य को करते हुए उनके सामने चुनौतियां क्या क्या आई, उसके और समस्या आई तो उसका निपटारा कैसे किया, इसके बारे में 2 लाइन लिखे, पेरा लिखे, और अगर लेखक है तो एक पूरी किताब लिखे। तो ये लक्ष्य
मैंने एक दो बार कॉलेज में जब विदाई समारोह होता है तो ये कॉल किया था, वो लोगों के सामने मैंने व्यक्त किया था इस बात को, जो विदाई जिन प्राचार्य को मैं दे रहा था, तो जब प्राचार्य को हम विदाई देते तो हमारे प्राचार्य तो चलिए एक आध घंटा बोलते भी हैं, कुछ नहीं बोलते तो मुझे ठीक नहीं लगता कि आप बोलिए, क्योंकि जिंदगी भर रोज एक क्लास एक घंटे की होती है, तो अंतिम समय में एक घंटा जरूर बोलिए, अपने अनुभव को यहाँ बताइए, शेयर कीजिए। तो ऐसा दूसरे मैंने टिप्पणियां भी की थी उन प्राचार्यों से, पूर्व प्राचार्यों की भी कर दी थी, तो ये मेरे में एक तरह से वो आ गया था कि जो सच है उसको बयां करेंगे, बोलेंगे या लिखेंगे, बेशक वो किसी को गलत लग सकता है। तो ये तो मुझे पता है कि दोस्त मेरे ज्यादा नहीं रहे इसीलिए, और उसकी मैंने चिंता की नहीं कि जो कहना है वो कह दिया। तो इस तरह से लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा जो लग रहा है। तो अब वो उनकी वो सोचे कि उनको क्या लगता है, अब जो भी रिएक्शन आएगा वो देखा जाएगा। आपको ठीक लग रहा है यही मेरे लिए पर्याप्त है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, एक लेखक जब लिखता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसे भी ये कई बार पता नहीं होता कि उसकी रचना कहाँ पहुंच जाएगी। हम करते हैं सोच समझकर, पर रचना का निष्कर्ष कहाँ लेकर जाएगा ये कई बार लिखने के क्रम में बन जाता है, साफ साफ नहीं दिखता कि हम यही लिखना चाहते हैं, यही हमें लिखना है। एक निष्कर्ष को लेकर कई बार लेखक नहीं चलता, लेखक रचना को जाने देता है कि रचना जा रही है किस दिशा में, वो अपना मोड़ अपना कर्व बनाते हुए चलेगी। अब यहाँ तो एक प्रश्न तो नहीं है, एक टिप्पणी है, परीक्षा ड्यूटी एक चैलेंज लेकर आती है, और कई बार लोग परीक्षा ड्यूटी को लेकर बड़े भयभीत भी होते हैं, ये भी देखा गया है। तो अब इस सबसे तो हम लोग गुजरे हुए हैं, इसलिए इस पर मैं भी कुछ कहना नहीं चाहूंगा, और आपसे भी नहीं चाहता कि ये कोई भय जैसी चीज है या चैलेंज जैसी चीज है, ये हमारा एक रोजमर्रा का काम जैसा है। हाँ बेशक ये रोजमर्रा का है, लेकिन कई बार कुछ परीक्षाएं हमारे सामने चुनौती के रूप में आ जाती है। अभी 2 साल पहले यकायक प्राइवेट कॉलेज में मुझे वहाँ का अधीक्षक बना दिया गया, मेरी निगरानी में होगी। तो अब चैलेंज ये था कि वहाँ कह दिया गया था कि देखिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो जो भी इन्विजिलेटर थे मैंने भी कहा कि इस परीक्षा को आसानी से नहीं लें, थोड़ी सी भी गलती आपकी नौकरी की कीमत लग सकती है। तो इस तरह से कहने का मतलब कई बार परीक्षाओं में चुनौती आती है, एक सामान्य परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षाएं भी अब रोजमर्रा में शामिल हो गई, वो बीच में आती है तो हमारे लिए परीक्षा की घड़ी होती है। 3 दिन पहले से हम सोचने लगे कि ये किस तरह से गुजरेगा ये समय, लेकिन जब गुजरा तो उसकी अनुभूति भी मजेदार हुई, वो भी अच्छा लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कभी टारगेट बड़ा मिलता है और जब वो पूरा होता है तो एक बहुत बड़ा संतोष और राहत लेकर के आता है। तो बेशक ये जिंदगी की परीक्षा है, चुनौतियां आती रहेंगी और हम इसका सामना करते ही हैं। इस कृति को पढ़ते हुए बराबर ये महसूस होता है कि शिक्षण संस्थानों को बचाने की बड़ी चुनौती, बड़ी चिंताएं यहाँ दर्ज है। अब आप एक शिक्षक से एक प्रशासक के रूप में भी हैं, तो इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए ये वैसे मैं प्रशासक को अपने सामने देखता हूँ, और यहाँ वैसे मुझे बहुत छोटा महाविद्यालय मिला है, इसलिए ज्यादा इसमें ऐसी समझ नहीं आई, ज्यादा बड़े टारगेट भी नहीं है, लेकिन ये टारगेट भी कम नहीं है, क्योंकि इधर शिक्षा देने का काम हमारा है और इसको हम किस तरह से ले रहे हैं, इस तरह इसमें किस तरह के लेकुने आ रहे हैं, इसकी बड़ी सीमाएं भी आ रही है। एक तो विद्यार्थी और प्राध्यापक का जो संबंध है, इसमें आपको भी लग रहा होगा कि एक तरह से दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे फिर वापस वही आता है कि कोचिंग की तरफ बच्चों का रुझान जिस तरह से आया है, अब आप समझेंगे
कि अगर हम क्लास ले रहे हैं और एक बज रहा है तो कुछ बच्चे 10 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं, घड़ी की तरफ देखेंगे, मेरा तो कोचिंग का टाइम हो रहा है, ये सुनने को मिल रहा है। आप इस चुनौती को किस तरह से लेंगे? मुझे लगता है कि प्राचार्य और हमारा नहीं, डायरेक्टर लेवल का मामला है ये, और डायरेक्टर का नहीं, मंत्री लेवल का मामला है। मुझे लगता है कहीं से भी इस पर विचार करना अब नामुमकिन सा हो गया। तो ये चीजें आगे चल के समस्या बनने वाली है, इसका निपटारा हो सकता आगे चल के हो, नहीं होगा तो वक्त के साथ कुछ चीजें आती है। लेकिन चलिए, वीडियो, मोबाइल, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें उपलब्ध भी करवाइए। तो ये एक तरह से आप ये देखेंगे कि स्कूलों में कई बार डम्मी प्रवेश होता है, स्कूल की तरह कॉलेज में भी हो रहा है, और बच्चे कोचिंग में नजर आते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कॉलेज का मूल मकसद है पढ़ाना, अध्यापन करवाना, लेकिन बड़े कॉलेजों का तो मकसद रह गया परीक्षा करवाना। आप देखेंगे बड़े कॉलेज, कोटा कॉलेज या बूंदी कॉलेज को लेंगे तो ज्यादातर समय उनका परीक्षा लेने में गुजरता है, प्रतियोगी परीक्षा से लेकर के बीएड और उसकी खुद की परीक्षाएं 2-3 महीने चलती है, पता चलता आधा समय परीक्षा में व्यतीत होता है। महाविद्यालय का मूल मकसद है अध्यापन करवाना, वो गौण होता जा रहा है। ये एक चुनौती है जो आगे चल करके और विकट होती जा रही है। तो ये एक चीजें हैं जो आप और हम सामना कर रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं किसी तरह का डिबेट नहीं। या ये कहें कि शिक्षक संगठन होते हैं वो कुछ दूसरी बातें उठाएंगे, लेकिन ये बातें कभी नहीं उठा गए, शायद मंच पे भी बात कर रहे हैं, इससे लेना देना नहीं है। तो इससे लेना देना शायद जितने भी नाम अभी गिनाए उन सबका भी नहीं रहा। तो ऐसे में कुछ चीजें हैं जो रूप ग्रहण कर रही है, रास्ता अपना तय कर रही है, लेकिन कुछ चीजें पीछे छूट रही है, छूटती चली जा रही है, और हम कहते हैं कि हम निकाश कर रहे हैं। तो ये इस अर्थ में इसे लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे इस किताब को पढ़ते हुए एक चित्र मिलता है, पहाड़ी झरने सा नेगी साहब का। और मैं भी नेगी साहब से मिला हूँ आपके साथ एक बार बूंदी में। तो नेगी साहब का जो अलग व्यक्तित्व है उस पर कुछ टिप्पणी करें। एक प्रशासक, एक लेखक और एक मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में वो हमारे सामने आते हैं, और आपका उनसे अलग जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, और तमाम यात्राएं आपने उनके साथ की है। तो उनके व्यक्तित्व पर पूरा एक चैप्टर है, और एक लेखक, एक प्रशासक के रूप में किस तरह से हमारे सामने आता है, इस पर कुछ कहें तो बात बनती है। बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ मैंने यात्राएं की, और मैं छोटा सा संस्मरण पुनः यहाँ, जिस दिन आप बूंदी कॉलेज आए थे और हमने छोटी सी संगोष्ठी की थी जिसमें 10-12 लड़के थे, मंच पर हम 2-3 लोग थे। इसके बाद मैं नेगी साहब से मिला, उस वक्त हर दिन मैं आधा पौन घंटा उनके पास बैठा करता था, तो सामने ही उनका क्वार्टर था। तो उस दिन की बात बताई तो बोले कि यार मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि प्रशासक है, लेकिन प्रशासक ये कह रहा है कि हाँ कि ये अगर कार्यक्रम था तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। और मैं ये सोच रहा था कि कार्यक्रम ही नहीं बल्कि सामान्य एक औपचारिकता बस किया गया था कि आप आए तो चलो इसको आयोजित कर लेते हैं, मैं कि आपके लिए थोड़ा बड़ा होगा तो करेंगे। इसी तरह से हमने 2-4 प्रोग्राम तुरंत बूंदी कॉलेज में, कन्या महाविद्यालय में मैंने अपनी एक कहानी वसीयत नाम से थी, तो वो बोले कि चलियो इसका आप पाठ करेंगे और मैं बोलूंगा, आप देखोगे कि महाविद्यालय से, मेरे महाविद्यालय से 25 लोग प्राध्यापक वहां पहुंचे। कन्या महाविद्यालय के थे ही, और कन्याएं तो थी सही, पूरा हाल भरा हुआ था। पहले मैंने बकायदा वसीयत कहानी का पाठ किया, उसके बाद नेगी साहब ने खड़े होकर के कोई आधा घंटे पत्र वाचन किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम थे प्राध्यापक, बाकी सब
वो काम एक प्रशासक करके गया जो प्राध्यापकों को करना चाहिए, एक चुनौती और चैलेंज देकर भी कि वो प्रशासक है, प्रशासकीय कार्य कर रहे हैं, साथ में एक आलोचक की, पत्रवाचक की, शोधार्थी की तरह भूमिका निभा करके दिखा दी। और पत्रवाचन बाकायदा वैसा ही किया जैसे हम शोध संगोष्ठियों में अक्सर करते हैं, या मुख्य वक्ता बोलता है या उसका अध्यक्ष बोलता है गोष्ठी का। तो इस तरह से बूंदी में हमने स्कूल लेवल पर जाकर के कार्यक्रम किया, संयोग से 2-3 महीने ही ठहरे, इस तरह से हमने और यात्राएं की। तो मैंने ये पाया कि उस व्यक्ति के अंदर एक साहित्यकार है जो प्रशासक की सीट पर बैठ करके भी उनसे लिखवाता रहता है। कई बार उनके जब फोन आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, वो सर जी करके बोलते हैं, बोला सर जी एक प्लॉट आया है, इस पर एक उपन्यास बनेगा और इसमें इस तरह से नाइट रहेगा, बताइए। वो कभी भी ये बात नहीं की उन्होंने कि प्रशासन की समस्या क्या क्या हो सकती है। हालांकि एक बार कहा था कि मुझे जयपुर जाना है कार्यक्रम में, आप भी चलते तो अच्छा रहता, रविवार का दिन था, तो उन्होंने कहा कि हाँ रविवार को मारा जाए, एक दिन की छुट्टी है तो आराम करेंगे। पर उन्होंने कहा कि देखिए आप रहेंगे तो मुझे संभल रहेगा, कलेक्टर ने मेरे पास कुछ ऐसे दायित्व तो दिए कि मुझे लौट के भी वापस आना है, कि छुट्टी नहीं दी जा रही। इसके बावजूद उस साहित्यिक कार्यक्रम के लिए वो जयपुर जाते हैं, तब मुझे लगा कि यार मुझे भी जाना चाहिए। तो मैं सुबह से शाम तक उनके साथ था, कार्यक्रम देखा, जो इन्हीं के बल पर जयपुर में पाटिल लेखन का कार्यक्रम ही करते हैं, कि मेरे द्वारा इन्होंने पुरस्कार भी दिलवाए, शिल्ड दिलवाई, लेखक जिन्होंने लेखन कार्य किया, पत्र प्रथम सेकंड तृतीय जो भी थे उनको सर्टिफिकेट बांटे थे, उसमें मैं भी वहाँ इस तरह से मौजूद रहा। तो कुल मिलाकर ये कि वे एक तरह से लेखकों के संगठनकर्ता भी हो गए। अभी सवाई माधोपुर जाना हुआ तो पता चला कि एक बार तो सवाई माधोपुर में कार्यक्रम था, वो जब ये टारगेट टाइगर उसी वक्त बनता है, तो उसके पहले उनका एक कार्यक्रम था, उसने मुझे बुलाया था, बोला कि आप आएंगे उसी दिन, तारीख रहेगी और आप आ रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम आपके बल पे चलेगा। तो कन्या महाविद्यालय में था। फिर उसके 2-3 महीने बाद फिर उन्होंने कार्यक्रम रखा तो पता चला कि होटल में कार्यक्रम किया गया। देश भर से हर जिले से 50-60 लेखक लेखिका पहुंची, उसी होटल में ठहरी, अब बाकायदा वहाँ कार्यक्रम रखा गया जिसमें कलेक्टर भी मौजूद थे। तो इस तरह से इस प्रशासक के अंदर एक वो संवेदनशील लेखक बैठा हुआ है जो इनसे पहाड़ी झरने सा बहता हुआ उन आम आदमियों तक, खास करके वृद्धों तक। इसलिए इनके 3 उपन्यासों के पात्र तो पिता होते हैं और पिता पुत्र को लेकर के चिंतित है, और वो पिता जिसका पिता भी है इस तरह से इनके नायक बनते हैं। पिता पुत्र संबंध पर इन्होंने बहुत जमकर के लिखा, खास करके वृद्धों। इसलिए हमने कहा कि वृद्ध विमर्श करके जो पिछली किताब थी उसमें इनकी किताबों को जो मैंने समीक्षाएं की उसमें वो जगह पाती है। वृद्धों की दुनिया जो पहले मैं लिख चुका था उसमें अन्य उपन्यासों पर मैंने लिखा था, फिर एक नई किताब जिसे विमर्शवादी उपन्यास में इनकी 3 किताबों का वहाँ बाकायदा रिव्यू आया है। तो एक उपन्यासकार के रूप में इस प्रशासक को हम पहचान सकते हैं, इस तरह से मेरा संबंध रहा। सो मैंने इन पे एक बाकायदा एक संस्मरण लिखा, उस संस्मरण को मैंने इनके पास भेजा, तो ये उनसे जब वापस इनका रिएक्शन आया, उस रिएक्शन को सुन करके मुझे खुशी हुई और मैंने फिर और विस्तार से लिखा। इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आपने जो लिखा भेजा है मैंने एक ही शिफ्ट में, जब तक ये खत्म नहीं हो गया, मैंने पढ़ के सुनाया, पत्नी भी जिसको बाकायदा सुन रही थी। इस तरह से साहित्य में जीने वाला ये व्यक्ति साहित्यकारों के को जुटाता है और कार्यक्रम करवाता है, कुछ न कुछ टारगेट रखता है। तो इस तरह से इनका ये संस्मरण बनता है। जी, एक और सवाल है, बचपन के खेल और आज के बच्चों के खेल में क्या समानता है और क्या कुछ अलग हुआ है? बहुत कुछ अलग होने के बावजूद आज भी बच्चे अपने मूल में वैसे ही होते हैं जैसे कि हम लोग रहे हैं, शायद मनुष्यता के लिए यही उम्मीद है। इसे खेल से भी बचाया जा सकता है, बच्चे जितना खेलेंगे उतना ही देश बढ़ेगा, उतना ही देश बनेगा। इस कथन के पीछे आपका उद्देश्य
क्या रहा है। बच्चे जितना खेलेंगे उतना ही देश बनेगा, बढ़ेगा, देश के विकास में खेल की अपनी भूमिका है। चलिए, आपने जिस तरह से सवाल रखा है इसका जवाब मैं एक विशेष उदाहरण से दे सकता हूँ कि अभी शिक्षा के अर्थ नाम से एक किताब मेरे सामने आई और मैंने उसका रिव्यू भी किया, फिनलैंड का वो स्कूल जिसमें कोई परीक्षा नहीं होती। अब आप भी सुनकर के दंग रहेंगे, इसलिए मैंने उसका रिव्यू भी किया था कि विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। वो 40 साल से स्कूल चल रहा है, खेल को भी उतना ही महत्व देता है जितना पढ़ाई को देता है। पढ़ाई के लिए दबाव नहीं है, लेकिन खेल बाकायदा 2-3 घंटे बच्चों को खेलना ही होगा। और आज हमारे सामने समस्या है कि खेल के मैदान सिकुड़ रहे हैं, खेल भूल रहे हैं, खेल अगर खेल रहे हैं तो वीडियो गेम खेल रहे हैं, भौतिक रूप से मैदान में जाकर के खेल खेलना बच्चों ने खत्म कर दिया है। हमारी पीढ़ी भी घूमने वाले हमारी पीढ़ी में भी कम है, नई पीढ़ी में और कम होने वाले हैं। बच्चे खेलते नहीं है, वीडियो गेम खेल रहे हैं। आप इस ओर देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है, ये मुंह बाएं खड़ा है कि बच्चे को अगर हम जितने भी खेल खेलते थे वो मैदानी खेल थे। आप कह रहे हैं मैदानी खेल मैदान भी नहीं बच रहे हैं, मैदान में हम फ्लैट खड़े कर रहे हैं जी। और दूसरा ये कि जिस तरह से हमें पैदा होते ही मोबाइल दिया जा रहा है, हमें इसको कैसे रोकें? रोकने वाला पिता खुद मोबाइल लिए बैठा है, पति पत्नी और बेटे हैं, तीनों ही मोबाइल में लगे हुए हैं, इस तरह के फोटो हमारे सामने होते हैं, हम सब एडिक्ट हो चुके हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम खेल को कैसे बचाएं। खेल बचेंगे तो देश बचेगा, यहां तक कह सकते हैं जैसे कि पर्यावरण बचेगा तो मनुष्यता बचेगी। मनुष्य बचेगा कैसे अगर नई पीढ़ी खेलेगी नहीं? तो ये तो इनका स्वास्थ्य तो चौपट होना है, ये तो बीमार होने हैं। हम बीमारी से लड़ सकते हैं खेल करके, कम खाएं गम खाएं, लेकिन हमारी भौतिक क्रियाकलाप जारी रहना चाहिए। और इसके लिए सरकारों को, स्कूल कॉलेजों को विशेष गौर करना पड़ेगा। फिनलैंड का स्कूल एक उदाहरण है इस मामले में कि वो हमें आदर्श स्कूल मानना चाहिए, कि ऐसे स्कूल होना चाहिए, मोहल्ले में भी ऐसे चीजें डेवलप होनी चाहिए कि हम पार्क बना रहे हैं वहां हरियाली हो लेकिन साथ में खेलने की जगह भी बचे, क्योंकि खेल को बढ़ावा देना हमारा मकसद होना चाहिए अगर हम नई पीढ़ी को बचाते हैं। क्योंकि नई पीढ़ी को बचाने के लिए पर्यावरण भी बिगाड़ रहे हैं हम लगातार, क्योंकि पर्यावरण तो लगातार बिगड़ रहा है। शुद्ध हवा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाने को भी शुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं है, हम नई पीढ़ी को देखे क्या जा रहे हैं? तो ये तो अगर हम खेल के मैदान को सिकोड़ते जाएंगे तो खेल बच्चा खेलेगा कहाँ? पहली बात तो उसको मोबाइल दे दिया, वो सोच ही नहीं सकता कि खेलना भी है। तो ये पेरेंट्स के लिए, स्कूल संस्थानों के लिए सोचने का एक गंभीर विषय है कि खेल को बचाए रखें। थोड़ी सी बात करते हैं पारिवारिक परिवेश और कबीरपंथी दादाजी का। आपके रचनात्मक व्यक्तित्व में बहुत बड़ा आधार रहा और योग है, जैसा कि कोरे कागज से गुजरते हुए लगता है और आपके मुख से और पहले के तमाम लेखों में भी हमने पढ़ा है, सुना है दादाजी के बारे में, कबीर पंथ के बारे में। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, कबीर पंथ से कैसे राग हुआ आपका? कबीर पंथ से राग तो दादाजी को हुआ था, जब मैं पैदा हुआ तब से मैंने देखा कि दादाजी के यहाँ कबीर पंथी साहेब आते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं और हुजूम में आते हैं 10-15 के साथ, और जब वो 10-15 के साथ आते हैं तो उनको ठहराया जाता है 10-15 दिन, खाने पीने की व्यवस्था दादाजी करते हैं, और बाद में वो भंडारा जिसे कहते थे लास्ट दिन अंतिम दिन, तो उसमें मोहल्ला और जो सुनने वाले दूसरे गाँव से भी आते थे लोग, वो भी कबीर साहेबों को सत्संग करते थे, सुनते थे। इस तरह से मैंने दादाजी को 35-40 साल पहले यानी 50 साल पहले बचपन से ही देखा इस रूप में।
फिर उन्होंने एक धर्मशाला ही बना दी कि यहाँ कबीर साहेब आकर के ठहरा करेंगे। तो इस तरह से उनको पारख प्रकाश पढ़ते हुए पत्रिका, जैसे हमारी साहित्यिक पत्रिकाएं आती है, पाक्षिक पारख प्रकाश आती थी उनके यहाँ, बीजक रखा हुआ था जिसको मैं उठा करके ऊपर से नीचे तो उसके दृष्टांत पढ़ लेता था उनकी अनुपस्थिति में। फिर वो मुझसे बहुत पहले ही, जब मैं शायद पांचवी या छठी में रहा होगा, कि तब उन्होंने रामायण के 5 दोहे पढ़ने के लिए मुझे टारगेट दिया और वो सुनते थे, वो श्रोता होते और मैं उसका पढ़ने वाला और वो सुनते। कभी कभार उनको लगता है कि चौपाई का अर्थ इसने बता दिया लेकिन शायद समझा नहीं होगा तो मुझे समझाते। इस तरह से 5 दोहे 7-8 महीने मैंने पढ़े तो मुझे लगता है कि मेरे पहले शिक्षक वही थे जिन्होंने मुझे रामचरितमानस का इस तरह से कह करके पाठ करवाया। और मुझे लगता है कि भले ही आज हम तुलसीदास को पढ़ते पढ़ाते हैं लेकिन जो मेरे मानस में उस वक्त बैठ गया था, या रामानंद सागर की रामायण जो आई बाद में उसको देखा तो देख सका और उसके बारे में विचार विमर्श कर लेते हैं। कबीर पंथी दादाजी इतने नहीं, यही नहीं ठहरे वो, बल्कि अपने समाज में पारिवारिक समारोह में जहां भी जाते शादी समारोह में तो वो कहते हैं मोतीलाल पटेल जी आ गए, इनको थोड़ा सा छेड़ दो बस, कि मंदिर में जो भगवान है उसका सवाल उठा दो। और इस तरह से फिर देखिए फिर वहां बहस होती और वो चेतन जड़ और इसको लेकर के कबीरी अंदाज में उन शब्दावली के साथ बात करते तो पता चलता है कि बाकी तो ज्यादा पढ़ा होगा तो रामचरितमानस पढ़ी होगी, इसके आगे वो जानते भी नहीं, थोड़ी बहुत तय कर लेते लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाते थे। इस तरह से मैंने कई बार उनको इस रूप में देखा, यानी कबीर साहेब आकर के उनको बताते सत्संग करते लेकिन वो बाद में रुके नहीं ठहरे नहीं बल्कि वो खुद वक्ता हो गए थे, प्रवक्ता हो गए थे कबीर के। आसपास के जिस भी गांव में जाते तो बोलते थे। अब मैं एक घटनाक्रम और सुना दूं कि आदमी है तो कमजोरी रहेगी, मैं नहीं कहता दादाजी में क्या कमजोरी थी क्योंकि मैंने तो उनको इस रूप में देखा। मेरी कमजोरी ये थी कि मैं नौकरी में आ गया, शेयर मार्केट में शेयर खरीदे, शेयर बेचने चला गया, शेयर बेचने गया तो पता चला तात्कालिक रूप से भी खरीदने बेचने लग गया तो पता चला मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। महज 2-4 महीने में 80,000 डूब गए, करीब करीब 30 दिन तक रातों की नींद हराम हुई। फिर मुझे दादाजी याद आए, कबीर पंत याद आया, राजेंद्र यादव की हंस पत्रिका को कभी कभार पढ़ता था वो याद आई और मैंने एक नोट लिखा, डायरी लिखी कि शेयर मार्केट में चाहे लाखों मिले या करोड़ों, बिल्कुल हंस को याद जरूरत ही नहीं है, तनख्वाह मेरे पास पर्याप्त है, सो इसमें जो डूब गया सो डूब गया, ये वापस नहीं लौटेगा। नोट लगाया कि इस तरफ नहीं जाएंगे और अब इन्वेस्ट करेंगे राजेंद्र यादव पर, यानी जितनी भी पत्रिकाएं आती है वो पत्रिकाएं मैंने मंगाना चालू किया। 15 पत्रिकाएं महीने में मेरे यहाँ गिरने लग गई थी। वो टारगेट रखा कि मेरे दादाजी अगर प्रवक्ता हो सकते उस उम्र में अनपढ़ होकर के और कबीर दास जी की तरफ, लेकिन कबीर होकर के रहे तो मैं उनका पोत्र होकर के भौतिकवादिता से मैं डूब कैसे सकता हूँ, या डूब गए जितने डूब गए इससे बाहर आते हैं। और फिर मैंने साहित्य में वो पत्र पत्रिकाओं से जुड़ना आरंभ किया, तभी से जितने डूबे उससे 1.5-2 गुना ज्यादा मैंने फिर पुस्तकों में लगा दिए, पत्रिकाओं पे लगा दिए। फिर सोचा कि इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ करेंगे, दादाजी के रास्ते पर चल कर। और मुझे फक्र इस बात का है कि बहुत बड़ी पूंजी है। हाँ, तो नेगी साहब ने मुझे टोंक बुलाया, वृद्धों की दुनिया पर बात की, तो दादाजी पर संस्मरण मैंने जब वहां सुनाया तो दादाजी पर वो भी फक्र कर रहे थे और दादाजी के पुत्र होने पर जब मेरे लिए उन्होंने कुछ शब्द कहे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मुझे लगा कि बस इतना सुन लेना मेरे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है कि दादाजी पर मैंने कलम चलाई। और उसको सुनकर टोंकवासी जो व्यक्त कर रहे हैं पुत्र होने पर मुझे एक तरह से धन्यवाद दे रहे हैं, अब मुझे गर्वानुभूति हुई अपने दादाजी पर। तब हमें लगा कि हमारे पूर्वज हमसे बहुत आगे थे, हम उनके रास्ते पर कुछ हद तक भी चलें, कई बार हम भटक जाते हैं तो मुझे भटके हुए राय को दादाजी ने रास्ता दिखाया। मेरे पहले गुरु वही, कबीरपंथी अलग,
और विचारधारा उनकी स्पष्ट, तो ऐसे में उन्होंने भी बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, तो दिया ही दिया, नहीं दान किया। देखिए एक क्रम और है जो मैंने उधर गद्दों की दुनिया में लिखा था, और उसी रेफरेंस को पढ़कर के टोंकवासी भी खुश हुए थे कि उन्होंने घाट बनाया नहर में, कुई खुदवाई लोगों के पीने के लिए पानी मिले, वो धर्मशाला बनवाई कि कबीरपंथी आए और ठहरे, और मथुरा में धर्मशाला बनाई थे कमरा वहां बनाया, और जब भी सत्संग की साहेब आए तो वहां भंडारा किया। इतना कुछ दादाजी देते ही तो रहे, तो हम लेने के लिए नहीं, जितना हो सके दिया जाए। तो ऐसे में भौतिकता से दूर, पूंजीवाद से दूर, नौकरी पेशा है वही बहुत कुछ है, तो ऐसे में साहित्य के बतौर हमने काम चालू किया। उस भटकाव से भी दादाजी ने ही रोका होगा, वरना एक और मेरे साथी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका भी रेफरेंस इसमें आता है बीच बीच में, जो शेयर मार्केट में आज भी डूबे हुए हैं, रिटायर होकर के भी उसी में लगा रहे हैं। अब क्या कहोगे आप, एडिक्शन एडिक्शन बहुत बुरी होती है, अगर आप पीने के आदि हो गए, नशे के आदि हो गए, तो छुड़ाना आसान नहीं। मेरे दो साथी पी पी करके गुजर गए रिटायर होने से पहले। तो एजुकेशन नहीं, हमारे पूर्वज हमें रास्ता दिखाते हैं, बशर्ते हैं कि हम उनको वक्त वक्त पर याद करते रहें। तो मैंने दादाजी पर जो संस्मरण लिखा वो यकायक यूं ही नहीं लिख दिया, ये कलम चलती रही, वो एक दिन दादाजी याद आए कि दादाजी पर भी लिखना चाहिए। जब मैं आस पड़ोस के वृद्धों पर लिख रहा हूं तो दादाजी पर क्यों नहीं, बस इतना ख्याल आया, क्लिक आइडिया किया और मैंने दादाजी पर लिखना चालू किया। इस तरह से वृद्धों की दुनिया सामने आती है जिसमें दादाजी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम अगर लिखते हैं तो तब मुझे लगा कि संस्मरण एक महत्वपूर्ण मजेदार विधा है, क्योंकि तो हमें ज्यादा कहीं खोजबीन करनी नहीं है, शोध करना नहीं है, अपने बारे में अच्छा ही है तो उसके बारे में लिखा जाना चाहिए। तो संस्मरण में हम अपने ही परिवार या अपने ही रिश्तेदारों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया तो वो गुजर ही गया, भूल ही जाएंगे, नई पीढ़ी को पता नहीं दादाजी भी कैसे आदमी थे, लेकिन मेरे इस संस्मरण को पढ़ते हैं तब उनको लगता है कि हमारे दादाजी ऐसे रहे, तब फक्र कर सकते हैं। देखिए चलिए उस परिवार में, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपने पुरखे अपने परिवार के लोगों के बारे में लिखते हैं तो ऐसा कुछ होता है कि वो परिवार या वो पुरखे वो केवल हमारे ही नहीं होते। जब लेखन में रचना के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति आता है तो पूरे समाज का हो जाता है। तो आपके दादाजी में इतना कुछ था, इतना कुछ समाज को उन्होंने दिया कि वो एक सामाजिक प्रॉपर्टी के रूप में, सामाजिक संपत्ति के रूप में हम लोगों को सीखने के लिए एक पॉइंट, एक बिंदु बनकर आते हैं। उनको पढ़ते हुए लगता है कि हमें ये करना चाहिए, एज लेखक हमें ये करना चाहिए, एज शिक्षक हमें ये करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और हम केवल अपने पुरखे के बारे में ही नहीं लिखते, हम अपने बारे में भी लिखते हैं, अपने पुरखों के बारे में लिखते हैं, अपने गांव के बारे में लिखते हैं, अपने समाज के बारे में लिखते हैं। तो यह समाज से, अपने लोगों से हमारी बहुत ज्यादा गहरी संलग्नता का एक प्रमाण है, और हमने ये संसार जिया है उसकी अभिव्यक्ति है जो हम इस रूप में लिख रहे हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, खेती बाड़ी नई तकनीकी और स्वच्छता को शंकर लाल जी के व्यक्ति में देखा जा सकता है, एक कैरेक्टर आए हैं। ये बातें अन्य को अपने संस्कार में अपनानी चाहिए, इस अंदाज को कैसे पहुंचा जाए, यह चरित्र अध्याय द्वारा ही संभव है। शंकर लाल जी, ये मेरे मामा जी के बड़े लड़के रहे, उनसे मैं प्रभावित हुआ। बचपन में मैं मामा जी के यहाँ बहुत जाया करता था, तो ये मेरे से 7-8 साल बड़े रहे होंगे, अब तो वो दुनिया में रहे भी नहीं, 3-4 साल पहले गुजर गए। पर इनमें तकनीकी से खेती बाड़ी करने का हुनर था, और बोलने का अंदाज, जैसे हम प्रोफेसर बतौर विषय विशेषज्ञ होते हैं उस तरह से
वो खेती बाड़ी के बारे में लोगों को बताया करते थे। जैसे हालांकि मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, लेकिन वो संदर्भ शंकरलाल जी का है कि जिन्होंने एक बात कही, बात ही बात में बहुत सारी बात कर लेते थे वो, तो कहा कि देखिए मैं ट्रैक्टर लाया हूँ और ये ट्रैक्टर दसियों साल चल सकता है, अभी मैं टायर बदल सकता हूँ, तो बोले टायर बदलने के बजाय क्यों इस ट्रैक्टर को बेच दिया जाए। तो पता चला कि जितने रुपए टायर में लगाऊंगा उससे थोड़े से और ज्यादा लगेंगे, उसमें नया ट्रैक्टर आ जाएगा और अगले 5 साल तक कुछ मेंटेनेंस भी नहीं लगेगा। तो ये सोच उस व्यक्ति में पहली बार मुझे सुनाई दी और पता चला कि पहले लोग पुराना ट्रैक्टर खरीदते थे, उस वक्त वो पुराना ट्रैक्टर बेचते थे। तो इसी से अंदाजा लगाइए तो वो व्यक्ति में कितनी पकड़ थी, इसे कह सकते हैं हम, जैसे हमारे बच्चों से कहते हैं कि इस विषय में शोध नहीं हो रहा, इसमें शोध कीजिए, अछूता विषय। तो इसी तरह से खेती बाड़ी में वही अग्रणी होते हैं जो बहुत आगे की सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं। तो उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर पर बहुत मेंटेनेंस में खर्च होने वाला है, तो उसको बचाने का तरीका उनको क्या मिला कि थोड़ा पुराना हो गया टायर बदलेंगे, इसमें थोड़ा सा और डबल मिलाओ, बैटरी नया हो गया, अगले 3-4 साल तक कुछ करना ही नहीं। तो ये बात कहना, इस तरह की बहुत सी बातें थी उनकी जो किसानों के लिए नई सोच, नई सोच आगे की। जी, अब थोड़ा सा प्रकाश जमीनी यथार्थ से चलते चलते हम इस यात्रा वृतांत के क्रम में समुद्र की लहरों पर आ गए हैं और दमन दीव से आपका शुरुआती संबंध था, तो उस दमन दीव के जीवन संसार पर कुछ टिप्पणी, कुछ प्रकाश डालें। देखिए दमन इसी सेवा में मैं यूपीएससी से 14 महीने के लिए मैंने काम किया, इसलिए वहाँ के लिए तो बहुत सारे संस्मरण हो जाते हैं। एक संस्मरण भी है, एक कहानी भी लिखी हुई है मीठी सब्जी करके जो आपके सामने आई, तो मुझे उसके बारे में, या हाल ही में गोवा गया तब मुझे ये एहसास हुआ कि समंदर के किनारे रहना स्वास्थ्यवर्धक है। लोग दूर दूर से समंदर किनारे इन लहरों को देखने आते हैं, तब मुझे लगा कि मैं तो दमन स्थायी रूप से लगा था, मेरे से तो गलती हो गई कि मैं राजस्थान चला गया, राजस्थान में समंदर छोड़ करके। जब गोवा गया हाल ही में तब पता चला कि मैंने जल्दबाजी की, जो लगी लगाई नौकरी छोड़ करके रेगिस्तान वापस पहुंचा और मैं सोच रहा हूँ कि अब अवसर मिले तो गोवा की इंडस्ट्री में अवसर मिले तो यहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया जाए ताकि समुद्र किनारे रहने का अवसर मिले, क्योंकि पता चला कि वहाँ फ्लैट 1.5 करोड़ से तो आरंभ होते हैं, तो वहाँ फ्लैट लेना ही मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा अवसर मिल गया था समंदर की लहरें देखने का। समंदर के किनारे बैठ करके मुझे ये फीलिंग हुई कि जितनी देर आप बैठते हैं समंदर के किनारे, चाहे आप कितने टेंशन तनाव में हो, आपका तनाव दूर हो जाएगा। हाल ही में जब गोवा गया तो मैं सुबह सुबह तो घूमता ही था वहां, और मैंने ये देखा चाहे आपका बूंदी शहर हो या कोटा, घूमने वाले आपको 1% शहर का भी मिल जाए तो ज्यादा होगा। तो वहां जितने पर्यटक दिन भर घूमते हैं जाते हैं लाखों में, सुबह घूमने वाले वहां भी 1% से कमी थे, जो 2-4 अंग्रेज मिले सुबह सुबह और मैं घूम रहा होते हैं जो जागरूक होते हैं। तो वहां जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि समुद्र के किनारे बैठना ये अवसर में कुछ नहीं तो साल में एक आध बार जाकर के हमें 10-5 दिन वहां ठहरना चाहिए, उस समंदर को, उन लहरों को हम बहुत शिद्दत से महसूस कर सकते हैं कि वो लहरें वहीं नहीं उठती, हमारे अंदर भी उठती है, लेकिन कर्म के बतौर। प्रकृति हमें कई तरह से संदेशित करती है, आप चाहे पंछियों को देख लीजिए, पेड़ों को देख लीजिए, समंदर की लहर देख लीजिए, पहाड़ देख लीजिए। हम लेखक लिखते क्या है, इन्हीं को तो लिखते हैं, और ज्यादा बेहतर है कि हम प्रकृति पर लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। कि मनुष्य पर लिखते हैं तो पता चलता है कि मनुष्य में तो कई तरह की वो राजनीति, उठापटक, खींचतान, वो सब आती है, बड़ी मुश्किल से मनुष्यता नजर आती है, बल्कि इन पंछियों में, इन प्रकृति में हमें बहुत नजदीकी से महसूस कर सकते हैं। तो लहरें हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। और हाल ही में मैंने अभी कल परसों ही पढ़ा था कि अगर बीमार व्यक्ति भी है तो बीमार व्यक्ति को अस्पताल में तब तक रखिए जब तक इलाज चल रहा है,
अन्यथा उसको बाहर निकालिए, पहाड़ पर ले जाइए, समुद्र किनारे ले जाइए, तालाब किनारे ले जाइए, थोड़ा प्रकृति के नजदीक लेके जाते तो देखिए वो स्वस्थ अपने आप ही होगा। हम बेवजह अस्पतालों में पड़े। प्रकृति बहुत बड़ी दवा है सर। अब ये किताब जहां से शुरू होती है जंगल से और अंत में भी जंगल में लेकर जाती है, अंत भी इस किताब का जंगल से होता है, जंगल पर जाकर समाप्त होती है, यह यथार्थ से स्वप्न की ओर जा रही कल की देन से भी समझाया जा सकता है, क्या कहना है भाई? आपने ये मजेदार सवाल किया है कि मैंने जब आपका ये प्रश्न सुना तो मैं गौर करता हूँ तो पता चलता है कि बेशक पहला चैप्टर टारगेट में टाइगर वो जंगल पे ही है, लेकिन अब इस चैप्टर पर भी विचार करते हैं तो पता चलता है कि लास्ट भी जंगल हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। हाँ, मैं पूरा जंगल में है। कोई 20-25 साल बाद अभी हाल ही में एक इंटरव्यू वाइवा लेने के लिए गया था, तब मैं घूम रहा था, घूमने की आदत पड़ गई तो चेली में चलता रहा होगा, 6 साल रहा हूँ, लेकिन जब गेस्ट हाउस में ठहरा तो वहां घूम रहा था तो पूरा जंगल नजर आया, तब मुझे अनुभूति हुई कि वाकई में ये जंगल इतना घना होना मायना रखता है, तो वो भी जेएनयू में प्राकृतिक तौर पर है, लगाया नहीं गया, कुछ लगाए जा रहे हैं लेकिन कुछ तो वहाँ जंगल है, पहाड़ी है, पेड़ होने ही है, कटते नहीं है, इतनी सुरक्षा है, और यूनिवर्सिटी में काटने वाला आएगा कौन? सुरक्षित होने सुरक्षा मिलने से पेड़ पौधे अपने आप पनप रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब जितना निर्माण हो रहा है वो जंगल वहां घट रहा है, चिंता मैंने वहां व्यक्त की। तो ये कह सकते हैं कि पर्यावरण से पर्यावरण तक, जंगल से जंगल तक शुरू होना और अंत होना ये बड़ा मायना रखता है कि संयोग यह कि बीच में सारी दुनिया आ गई लेकिन शुरुआत हमने जंगल से की, लेकिन ऐसे जंगल से जहाँ बौद्धिक पैदा होते हैं और उसमें हमें कई विशेषताएं वहां बताई कि जवाहरलाल नेहरू भी क्या है, इसलिए अंतिम चैप्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, ये पूरी किताब एक तरह से एक वार्ता में हम लोगों ने देखी सुनी और लेखक से सीधे रूबरू होकर इस किताब को समझने की कोशिश की। अब मैं अंत की ओर चल रहा हूँ और जन सरोकार मंच के देवेंद्र जोशी जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज कवि, लेखक, रचनाकार, विमर्शकार को एक साथ एक मंच पर बिठाकर बातचीत कराई। रमेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि इतने सारे सवालों के बीच रोचकता के साथ आपने संवाद किया और पूरे कागज के माध्यम से जिंदगी के टुकड़े को एक एक कर हम लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विवेक जी, आपका भी धन्यवाद, जन सरोवर मंच का पुनः धन्यवाद, अशोक जी का जो पृष्ठभूमि में अक्सर रहते हैं, ये इन्होंने सभी पाठकों का शुक्रिया, खुशामदीद, धन्यवाद।